क्या आने वाले दशक में कैंसर एक महामारी है? जी हाँ, कैंसर एक महामारी है। कैंसर के केसेस साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कैंसर के केस 2020 में 13.5 लाख थे, 2022 में 14.5 लाख नए केसेस कैंसर के, 2025 में एस्टिमेटेड है कि यही कैंसर केसेस 14.5 लाख से बढ़ के 20.5 लाख हो जाएंगे। आइए जानते हैं कैंसर केसेस के बारे में। मैं डॉक्टर पूजा बब्बर, कैंसर स्पेशलिस्ट, बात करेंगे कैंसर के बारे में। WHO की एक रिपोर्ट थी जो 2020 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग हर 9 में से एक इंसान को कैंसर होगा उसके लाइफ टाइम में, और हर 15 में से एक इंसान कैंसर की वजह से मरेगा। इंडिया कैंसर के इंसिडेंस, कैंसर के नए केसेस के मामले में 3rd नंबर पर है। पहले नंबर पे चाइना, US और फिर इंडिया। इनफैक्ट कैंसर एक लीडिंग कॉज है डेथ का। 4.5 लाख से ऊपर कैंसर की डेथ हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। कैंसर के केसेस की रिकॉर्डिंग होती है कैंसर रजिस्ट्री से। जब कैंसर की रजिस्ट्री शुरू हुई थी तो सिर्फ 3 पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री थी और 3 हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री। आज ये रजिस्ट्रीज बढ़कर 236 हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्रीज हो गई है और 36 पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री। आप हैरान हो जाएंगे, इतनी रजिस्ट्रीज के बाद भी कैंसर केस की जो रिकॉर्डिंग है, ये रजिस्ट्री वर्ल्ड इंडिया में सिर्फ 16% पॉपुलेशन को कवर करती है। तो आप सोच सकते हैं कि रियल कैंसर के केसेस कम से कम 2 से 3 गुना ज्यादा है। जो हम आज 14.5 लाख नए कैंसर केसेस की बात कर रहे हैं, अगर हम रियल इंसिडेंट्स की बात करेंगे, वो इंसिडेंट्स जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये बहुत ज्यादा है। अब जानने की बात ये है कि कैंसर के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है हमारा लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर। आज की पॉपुलेशन ज्यादा जीती है, हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन है, फास्ट फूड है, पॉल्यूशन है। आप यकीन नहीं करेंगे कि कैंसर के केसेस को लोग एक जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं कि भाई इनके फैमिली में कैंसर है इसीलिए इनको कैंसर है, बट असली बात यह है कि 80% कैंसर हमारे लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट की वजह से है और सिर्फ 20% कैंसर हमारी फैमिली या जेनेटिक रिस्क से रिलेटेड है। एक और फैक्टर है कैंसर के केसेस बढ़ने का, वो है इंडिया में कैंसर को कैप्चर करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक टूल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग हो रही है और इसको बड़े सीरियसली लिया जा रहा है। इंडिया में कैंसर के केसेस जो मेल्स में बढ़ रहे हैं वो टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बढ़ रहे हैं। मेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर है मुंह के कैंसर, हेड एंड नेक के कैंसर, लंग के कैंसर, स्टमक कोलोन के कैंसर। फीमेल में तो सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, फिर सर्विक्स, ओवरी और फिर हेड एंड नेक के कैंसर। ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि WHO ने कैंसर को वर्ल्ड के टॉप 10 पब्लिक हेल्थ इश्यूज में घोषित कर दिया है। एक सबसे बड़ा फैक्ट कैंसर के बारे में ये है कि 60% कैंसर प्रिवेंट हो सकते हैं सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। और ये जानना इसीलिए ज़रूरी है कि कैंसर अर्ली स्टेज में क्योर हो सकता है 80-90% से। यही कैंसर लेट स्टेज में इसके क्योर रेट्स ड्रॉप कर जाते हैं 20-30%।